मेरा नाम डॉक्टर अंकिता सावंत है। मैं लो विजन फेलोशिप कर रही हूँ इंडियन एकेडमी ऑप्टोमेट्री से। तो मैं आज बताऊँगी कि लो विजन पेशेंट का चेकअप हमें कैसे स्टार्ट करना है। तो हमें फर्स्ट चेक करना है कि पेशेंट कैसे आ रहा है, किसी रिलेटिव को लेके आ रहा है या खुद चल के आ रहा है, पेशेंट मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हमें फर्स्ट वो चेक करना है, मतलब जैसे पेशेंट आएंगे तो हमें पता ही चलेगा। देन अभी मेरे पास एक डायबिटिक रेटिनोपैथी के एक पेशेंट है, तो उनको डिस्टेंस और नियर में देखने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। तो हम अभी देखेंगे कि उनको अभी क्या क्या तकलीफ़ हो रहा है और उनका तकलीफ़ हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कि हमें पेशेंट को पहले पूछना है कि आप क्या काम करते हैं, आपको तकलीफ़ क्या है। देन अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट है तो उनका शुगर लेवल पूछना है, शुगर लेवल कैसा है। देन डेली एक्टिविटी में उनको क्या तकलीफ़ हो रही है, उनकी हॉबीज़ क्या है, उनका वो क्या काम करते हैं, ज़्यादा काम किस में है, डिस्टेंस में है या नियर वर्क में है, उनका कुछ लेजर्स वगैरह हुआ है या नहीं, ये सब हमें उनको क्वेश्चंस पूछना है। लास्ट डायबिटिक रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, वो सब पूछना है कि और कुछ तकलीफ़ है उनको, ये सब पूछ लेना है, देन चेक करना है। सो मैंने जिस पेशेंट के बारे में आपको बताया, तो हम वो पेशेंट को बुलाते हैं। ये है पूनम। ये पूनम, जैसे कि हमारी आज पेशेंट है लो विजन के लिए, तो पहले मैं इनको डिस्टेंस का विजन दिखाऊंगी। ये गाल, हे दिसतोय तुला? हो, नाही। ओके, 3 8 3 3 नाही दिसत आहे का तुला? जैसे कि पेशेंट को अभी देख रहे 6:24 तक ही दिख रहा है, 6:18 पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। तो एक बार हम पिन होल विजन भी ले लेते हैं, 1:1 करके भी देखते हैं उनको कितना कहाँ तक दिख रहा है। है जिस तक ओके, सो हम तीन और रीजन देखते हैं इसका कितना। ठीक है, वैसे दोनों आँख का देख लिया है, आपको स्पेक्स है ना? अभी पढ़ो। ओके ओके, अभी हम नियर का विजन देखते हैं। नियर विजन के लिए गुड इल्यूमिनेशन की बहुत जरूरत है। हे दिसता है का पूनम तुला? भरत। ओके, हे खाली पेन लाइट, त्याच्या खालचं नाही दिसत आहे, खाली बोरकट दिसत आहे थोडस, नाही दिसत आहे। जसे की आप देख रहे पेशंट एकदम नजदीक बुक लेके देख रहा है, तो हम इसमें और एडिशन ट्राई करके देखेंगे कि पेशेंट को दिख रहा है या नहीं। ओके, और ये वाला सुहास नीता पूजा। ओके ओके, अभी नीचे का दिख रहा है क्या आपको? भुरकट दिसते है। ओके, भुरकट दिसते है, ठीक है। आपण आता ह्याच्यामध्ये अजून थोडंफार ऍडिशन पॉवर ऍड करून बघू। ओके,
ठीक आहे अभी देखो आता दिसतंय का तुला? हो. वाच ते खाली काय लिहिलंय. पेन्सिल माता. पाच बाबूंची. ओके. अरे खालचं दिसतंय का तुला? खालचं इथे क्लिअर नाही पण थोडंफार दिसतंय. ठीक आहे. तो जैसे कि हमने देखा पेशेंट को डिस्टेंस में 6/24, 6/18 पार्ट्स तक दिख रहा है विद स्पेक्टेकल्स. सो पिन होल विजन भी हमने लिया है तो पिन होल विजन से भी वो 6/18 पार्ट्स तक जा रहे हैं. तो उनको तकलीफ नियर विजन में हो रही है और उनका जो वर्क है तो नियर वर्क है. उनको हॉबी है रीडिंग वगैरह करने की. तो हम पहले नियर डिस्टेंस का तो उनको इजीली मैनेज हो रहा है तो हम पहले नियर वर्क का देखेंगे कि अभी उन्होंने देखा हमने देखा कि नियर हमने नियर चार्ट जो पढ़ने को हमने दिया उनको तो 1st to 10/36 पढ़ रहे थे. वो भी क्लियर नहीं. जैसे कि उन्होंने बुक इतने पास रखा था तो इतने पास से तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है पढ़ने में वगैरह. तो हमने एडिशन पावर्स बढ़ाए +3, +4 ऐसे करते गए. देन उनका जो बुक पढ़ने का था वो थोड़ा यहाँ तक हो गया है. एंड देन उनको नीचे के भी जैसे कि N18, N12 वो पढ़ पा रहे हैं. N12 तक जा रहे हैं उसके आगे थोड़ा पढ़ने में उनको तकलीफ़ हो रहा है बट उनका नियर वर्क वहाँ तक तो हो रहा है. अगर एडिशन पावर बढ़ाएंगे +4 देंगे तो हम उनको स्टैंड मैग्नीफायर भी दे सकते हैं मैग्नीफायर्स दे सकते जो जिस वजह से हम वो यूज़ करेंगे हैंडल मैग्नीफायर तो वो अच्छे से रीड कर पाएंगे. हाई पावर हाई एडिशंस पावर रहते हैं उसमें. तो हमें उन पेशेंट को बताना है कि ये कैसे यूज़ करना है. पेशेंट को ट्रेनिंग देनी होगी कि कैसे यूज़ करना है डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि उनको रीडिंग वगैरह करना है वो सब. देन हमें पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बताना है कि पेशेंट को डिम लाइट में नहीं देखना है एकदम अच्छी लाइट वगैरह चाहिए पढ़ने के लिए. हमने भी अभी उनको अच्छे लाइट्स में बैठा के उनको नियर विजन का दिखाया तो ऐसे कुछ है. और देन मोटिवेटेड चाहिए पेशेंट को. कभी भी डिमोटिवेट नहीं चाहिए. पेशेंट को सब संभालना है उनकी दवाई पानी सब जो है तो उसका ख्याल रखना है. और रिलेटिव उसकी काउंसलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है. पेशेंट को मोटिवेट करना ज़रूरी है. देन हम पूरा ट्रेनिंग देंगे स्टैंड मैग्नीफायर हैंडल मैग्नीफायर के कि हम कैसे यूज़ करेंगे. फिर पेशेंट को किसी गिरेगा तो पेशेंट का प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो रहा है कि हम ज़्यादा पावर देंगे तो नियर वर्क कर रहा है.